अयोध्या इथं 22 जानेवारीला प्रभू श्री रामचंद्रांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे। या सोहळ्याच्या निमित्तानं देशभरातील भाविकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे। या सोहळ्याच्या निमित्तानं एक तरुणी पाठीवर बॅग घेऊन आपल्या दोन मित्रांच्या साथीनं मुंबईहून थेट अयोध्येकडे पायी निघाली आहे। अंगावर हिजाब आणि खांद्यावर भगवा झेंडा घेत रामाच्या दर्शनासाठी निघालेली ही तरुणी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे। सध्या ती नाशिकमध्ये दाखल झाली आहे। शबनम शेख असं तिचं नाव असून रामायणाबाबत आणि प्रभू श्रीराम यांच्याबाबत आपल्याला खूप आस्था असल्याची प्रतिक्रिया तिनं दिली आहे। तिच्या या अनोख्या उपक्रमासाठी अनेकांनी तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काहींनी तिच्या या प्रवासातल्या खानपानाची व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शवली आहे। मैंने टीवी सीरियल्स देखा है, मैंने रामलीला देखा है, कार्टून्स में देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। और साथ ही साथ आपको पता है अयोध्या एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस है, ठीक है। तो उसके ना दो पहलू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव को तो हमें देखना नहीं है, हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं पैदल निकल चुकी हूँ और सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो पैदल यात्रा करके अयोध्या जा रहे हैं। कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। मैंने सोचा कि यार लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती, एक लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती है। तो मैंने मन में ये संकल्प ठान लिया कि भाई मैं अयोध्या जाऊंगी और पैदल जाऊंगी राम जी के दर्शन।